जैसा सभी लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और केमिस्ट्री की शुरुआत होती है एटम से। बहुत लोग परेशान हो रहे होंगे कि आज फिर बोर करने के लिए आ गए। एटम में एक छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस, और जब वो न्यूक्लियस टूटता है तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है लेकिन उससे जो एनर्जी निकलती है वो बहुत लार्ज होती है। अब ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उस एनर्जी से हम एटम बम बना लें या उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक सिटी बना लें, फैक्ट्रियां चला लें और अपने देश का विकास कर लें। ये डिपेंड करता है हम पर। तो इस तरीके से हमारे जितने यहां स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इनके अंदर बहुत एनर्जी है, भरी पड़ी है, बस उसको यूज करना है। आपको शायद पता होगा कि जो ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन थे उनके ब्रेन का केवल 6% यूज हुआ था। उनके ब्रेन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इनका जितना ब्रेन है उसका केवल अभी 6% ही यूज हुआ है और 94% यूज नहीं हुआ। तो अब आप समझिए आपके ब्रेन में कितनी ताकत है, आप क्या कर सकते हैं।